ये बात काफी पुरानी है, शायद 1991 से 1992 के लगभग की यह घटना है। हमारे पड़ोस में किराएदार रहा करते थे जिनका नाम परेश था, जिनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में थी जहां पर उनका पोस्ट एक मैकेनिक का था। उनका स्वभाव काफी नास्तिक प्रवृत्ति का था और उनकी पत्नी और बच्चे काफी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता था, जैसे कि कोई साधु संत का प्रवचन होना या कोई झांकी को या फिर पड़ोस में किसी के यहाँ पर भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं छोड़ती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या किसी साधु संत का प्रवचन होता तो वो तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में बाधा पड़ती थी। ये बात भी सही थी क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में दूसरे कामों की। लेकिन उनके पति मतलब परेश पूरी तरह से नास्तिक नहीं थे क्योंकि जब भी वो किसी मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे जैसी जगहों से गुजरते थे तो अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली कि ये अंदर से तो धार्मिक जरूर है लेकिन वो पूजा पाठ मुहूर्त जैसी चीज़ों में नहीं मानते थे। वैसे तो इंसान के कर्म और नसीब दोनों एक साथ चलते हैं, आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों ना आए हों, फल तो कर्म के हिसाब से ही मिलता है। इनकी पत्नी को अपने खुद के घर की बहुत लालसा थी और नसीब ने जब साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कत भी दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा एक मकान खरीद लिया। अब बात यहाँ से शुरू होती है। परेश की पत्नी के कारण परेश ने पूजा पाठ, हवन शांति और गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो परेश ने भगवान की तस्वीर लगाने की सोची और तस्वीर लगाते हुए ही एक कील से उनके हाथ में गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर जोरों से गिरने लगी। परेश को 7 डाके आए थे। परेश को उस घर में कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था तो घर में शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही सब लोग कुछ समय के लिए कहीं बाहर घूमने चले गए और जब वापस आए तो उनके साथ अजीबोगरीब बातें होने लगी। उनको रात को ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता था कि किसी ने उनकी पीठ पर थपकी मारी हो। अब इस तरह उनको 2 से 3 महीने हो चुके थे और फिर एक दिन परेश की तबीयत खराब हो गई। परेश ने सब जांचें करवा ली लेकिन रिपोर्ट में कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। लेकिन परेश बार बार अपनी पत्नी से कहते थे कि उन्हें बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी बहुत खराब हो रहा है। परेश अपनी पत्नी से बोलते थे कि पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जी भर के रो लूं। उसके बाद परेश अपनी पत्नी से बोले, पता नहीं पर मुझे लग रहा है जैसे कि मैं अनाथ हो गया हूं और सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहां सब चले गए हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। समय निकलता गया, धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास उदास से और चुप चुप रहने लगे। कोई भी किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए आ जाता तो यही कहता, उनके यहां तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी कर रहे हो, और घुटन भी ऐसी कि जैसे रोने की हालत हो जाती है, इसलिए हम वहां जाना पसंद नहीं करते आजकल। कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, और शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल था कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला साधु उधर से गुजर रहा था और वहां बच्चे को बाहर बैठा देखकर वो अचानक दरवाजे के पास आकर रुक गया और बच्चे को थोड़ी देर तक देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाले साधु ने बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना होने वाली है। तो इस पर साधु ने बोला, तुम उसे रोक तो नहीं सकती हो, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, हम में से कोई भी इसे नहीं रोक सकता, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो या फिर इस घर में गायत्री पाठ और दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का अखंड पाठ करवा लेना, नहीं तो तुम यहां चैन से नहीं रह पाओगे। और कुछ भी हो सकता है, वो सभी आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं
उन्हें जब तक मुक्ति नहीं मिलती वो इसी तरह सबको परेशान करती रहेंगी। और इतना बोलकर वो सारंगी वाला साधु चला गया। उसके थोड़ी देर बाद परेश की पत्नी ने अपने बच्चे को किराने की दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजा जो रोड के उस पार थी। वो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो उसका किसी स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां जाने पर इत्तेफाक से बच्चे को भी साथ ताके आए। और अब जब से वो सारंगी वाला साधु बोल कर गया है तब से वो घर में और भी दहशत सी फैल गई है। ये सब घर का माहौल देखकर परेश की पत्नी ने घर में गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने का सोचा। लेकिन जब भी घर में पूजा पाठ का नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सब चीजों को नकारने लगते। उनकी पत्नी की हालत ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। करे तो क्या करे। एक तरह से देखा जाए तो जब भी इस घर के शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नेगेटिव सोच ही उभर आती थी। एक दिन परेश के कोई रिश्तेदार वहां उनसे मिलने आए जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। और वो सब हालचाल लेकर जब जाने लगे तो उन्होंने बोला, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर काफी जनों की राय लेने के बाद उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद परेश की वाइफ एक बुजुर्ग महिला से बात कर रही थी तो बातों बातों में ही उस मकान का जिक्र चला। तो उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिरकर मर गई थी और जब दूसरा परिवार उस घर में रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने के साथ ही 7 लोगों की एक साथ मौत हो गई थी। और शायद ये उन्हीं सभी की आत्माएं हैं जो यहाँ पर घर में आने वाले लोगों को परेशान करती हैं। आज भी वो घर वीरान पड़ा है और उस घर में आज तक कोई रहने नहीं आया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस घर में रात बिरात किसी के रोने और बिलखने की आवाज़ आती रहती है और शायद आज भी वो आत्माएं मुक्त होने के लिए तड़प रही हैं। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।